हेलो नमस्कार, जय हिंद। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फायरबोल्ट ड्रीम स्मार्ट वॉच के बारे में। कुछ इस तरीके की पैकिंग में हमें मिल जाती है, तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा क्या क्या इसके अंदर मिलने वाला है, क्या वैल्यू ऑफ मनी है, चार्जिंग है, इसका बैटरी बैकअप कितना है, कौन सा प्रोसेसर है, रैम कितनी मिल जाती है और क्या क्या चीज़ इसके अंदर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अगर इसको स्मार्ट वॉच न बोल के रिस्ट फोन बोला जाए, यानी आपके अगर कलाई पे पूरा फ़ोन बोला जाए, तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपके अंदर इसमें जो आपको मिलने वाली है, प्ले स्टोर से लेकर देख सकते हो इसके अंदर। इसमें गूगल प्ले स्टोर मिल जाता है, जिसमें आप जो मनचाही अपनी ऐप्स हैं वो सभी इंस्टॉल कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। जरूरत की सारी चीज़ें जो आपके फ़ोन में होती हैं वो सभी होंगी। वाईफाई इनेबल है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है, और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि 4G सिम सपोर्टेड वॉच है ये। आप जैसे इसमें 4G का स्लॉट दिया गया है, उस स्लॉट में 4G की सिम को डालेंगे तो एज ए फ़ोन आपको जरूरत नहीं है किसी से भी कि आप अपनी पॉकेट में फ़ोन रखें या उसके साथ कनेक्ट करने की आपको जरूरत पड़े। उससे रिलेटेड जितने भी बाकी बातें हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा। अनबॉक्सिंग से लेके मैं दिखाता हूँ क्या कुछ इसके अंदर हमें मिल जाता है। मिलने के बाद से लेके इसके अंदर जो है नैनो सिम डल जाती है, लार्ज 2 पॉइंट इसके अंदर जो है 2 इंच की हमें डिस्प्ले मिल जाती है, 320x386 हाई रेजुलेशन मिल जाता है उसके अंदर, 4G LTE इसमें हो ही गया फंक्शन। और रैम कितनी मिल जाती है, 2GB रैम मिल जाते हैं, 16GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जो कि काफ़ी सफिशेंट है एक इतनी स्मार्ट वॉच के लिए कि आप जितनी चाहे इसके अंदर ऐप आप इंस्टॉल कर सकेंगे। गूगल मैप जैसे मैप भी आसानी से आप अपनी कलाई के ऊपर ही इस्तेमाल कर सकेंगे। रिस्ट वॉच जैसे हम फ़ोन में मैपिंग का यूज़ करते हैं, आप कहीं ड्राइविंग करते हैं बाइक वगैरह में, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी सुविधा हो जाएगी। जरूरत नहीं आपका फ़ोन निकाल के बार बार आपको मैप देखना पड़े कुछ हो, तो आपके वो फ़ोन का काम या GPS नेविगेशन वगैरह का काम भी आपकी कलाई से होने वाला है। बाकी बैटरी बैकअप की बात करें तो 800 mAh जो इसकी बैटरी दी गई है। नॉर्मली केस में हम अगर स्टैंड बाई मोड में इसको रखते हैं तो 10-12 घंटे भी आसानी से कोई दिक्कत नहीं होती है। आप कम यूज़ करेंगे तो 10-12 घंटे निकाल देते हैं, और हैवी यूज़ करते हैं तो 6 से 8 घंटे तक तकरीबन ये बैटरी जो है बैकअप दे देती है। इसके बाद कोड कोर जो प्रोसेसर इसके अंदर मिल जाता है, 1 साल की वारंटी मिल जाती है। तो देख लेते हैं अंदर इसके क्या क्या हमें, जैसे ही बॉक्स आया है बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं उन सारी चीज़ों को देखते हैं। और रही बात स्ट्रिप की, तो ये जो इसकी स्ट्रिप है ये हमें अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, आप 10-12 कलर में अलग अलग हैं तो आप जैसी भी आप चूज़ करना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। उसका अपना अलग अलग पसंद होती है सबकी अपनी अपनी, आप जो लाइक करें वैसे कर सकते हैं। स्मार्ट वॉच कुछ इस कलर की हमें मिल जाती है। इसके बाद में इसमें सेफ्टी लॉक के भी फंक्शन है फ़ोन के, जैसे आप लॉक लगा सकते हैं। उसके बाद में आप अनलॉकिंग कर सकते हैं ऐसे कुछ इसके अंदर। अनलॉक करने के बाद में जो कुछ मिल जाता है, देखिए इसके अंदर जो ऐप्स वगैरह मिल जाती हैं हमें, बाकी मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगा कि कौन कौन सी ऐप्स हैं, कैसे कैसे फंक्शनिंग करती हैं सारी ऐप्स, जो जितनी मर्जी आप अपनी जरूरत के हिसाब से ऐप्स को इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से। अभी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताते जाऊंगा कि स्मार्ट वॉच के अंदर क्या क्या है, मैंने प्रैक्टिकली क्या क्या इसके अंदर करके देखा है और क्या सही है या नहीं है, उन सारी बातों को लेकर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलो अब बात करते हैं स्मार्ट वॉच के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। इसमें आप देख सकते होगे कुछ हेल्थ से रिलेटेड भी ऐप्स हैं इसके अंदर जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अंदर की साइड में अगर हम देखें तो प्ले स्टोर का सपोर्ट मिल जाएगा, बाकी सारी जो भी ऐप्स वगैरह हैं आप ये देख सकते होगे इसके अंदर में। सेटिंग से लेके सेटिंग है, वाईफाई से नेटवर्क सेटिंग अगर चेक करें तो इसके अंदर में वाईफाई का सपोर्ट मिल जाएगा। इसमें मैंने 4G का जो सिम डाला हुआ एयरटेल का वो यूज़ कर रहा है, मैंने यूज करके देखा है, काफ़ी अच्छे से फंक्शनिंग भी कर रहा है। हॉटस्पॉट मिल जाता है इसमें, यानी जो भी फ़ोन के अंदर में नेटवर्क की जो सेटिंग वगैरह होते हैं उसी के जैसे ये सेटिंग मिल जाती है। डिस्प्ले सेटिंग, साउंड को अपनी अकॉर्डिंग, नोटिफिकेशन सेटिंग, स्टोरेज में दिखा देता हूँ आपको। स्टोरेज जो है इसकी 16GB का जो स्टोरेज मिलता है, स्टोरेज 10GB लगभग मुझे मैंने जो यूज़ कर लिया है 16GB में से, बाकी का जो फ्री अप स्पेस जो है वो अभी भी बचा हुआ है काफ़ी ऐप्स डाउनलोड करने के बाद भी। उसके बाद में जो भी सेटिंग है वो देख सकते होगे। सॉफ्टवेयर अपडेट की अगर बात करें तो इसमें जो सॉफ्टवेयर था, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया और अपना लॉगिन वगैरह किया तो उसके बाद में मुझे सॉफ्टवेयर का अपडेट दिखाई दिया था, तो मैंने एक अपडेट कर लिया, फर्स्ट वाला अपडेट मुझे मिल गया था, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। इसके बाद आगे देखते चलते हैं तो गूगल का जो है फंक्शनिंग वगैरह है सिस्टम, ये जो भी सेटिंग है ये देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, वही सेम ही है फ़ोन के जैसे ही। बाकी कैलेंडर, कैलकुलेटर, एवरीथिंग, कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं, एल्बम वगैरह देखने के लिए, म्यूजिक सिस्टम, वीडियो प्लेयर, फ्लैश लाइट, साउंड रिकॉर्डर जैसे फंक्शन मिल जाते हैं। और
कुछ ऐप्स जो थी इसके अंदर प्री इंस्टॉल थी, लेकिन आप ज़रूरत के हिसाब से बाकी की जो ऐप्स हैं जो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। इसके अंदर प्ले स्टोर में आसानी से प्ले स्टोर खोल लीजिए, जो भी आपको लगता है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूसरी बात है, लैग वाली कोई इशू मुझे देखने को नहीं मिला कि इसके अंदर लैग हो रहा है या कोई भी चीज़ जो है ऐसी, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। जो जो चीज़ें मैंने किया और एक्सपेरिमेंट के बाद लगभग मैं आपको 4 दिन के बाद में, 4 दिन हो गए मुझे यूज़ करते हुए, 4 दिन के बाद में मैं इसका रिव्यू डाल रहा हूँ आपको। तो सभी चीज़ें अच्छे से फंक्शनिंग करती हैं इसकी। अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक भी कुछ इस तरीके से दिख जाता है। डिस्प्ले इतनी सफिशिएंट है कि उस डिस्प्ले में साउंड क्वालिटी देख सकते हैं इसकी, वीडियो की जो साउंड क्वालिटी है कुछ इतनी इसकी साउंड है जो कि काफ़ी है। आपके स्पीकर भी जब आप बात करते हैं तो स्पीकर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। माइक क्वालिटी दोनों मैंने चेक किया है, माइक और स्पीकर बहुत दोनों क्वालिटी अच्छी हैं। तो जो जो ऐप थी मैंने इसमें यूज़ करके देखी, फेसबुक इंस्टाग्राम से लेके बाकी बहुत सारी ऐप्स को यूज़ करके देखा है। हाँ, पेटीएम फ़ोनपे जैसी ऐप्स में आप कैमरा नहीं होने के कारण QR कोड स्कैनिंग जैसी फैसिलिटी को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फैसिलिटी आपकी इसमें काम नहीं करेगी क्योंकि इसके अंदर कैमरा नहीं दिया गया है। बाकी आप नॉर्मली फ़ोन नंबर से अगर यूज़ करना चाहें तो आपका काम करेगा वो सब, ठीक है। व्हाट्सअप मिल जाता है इसके बाद, ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप मैंने कर लिया है। व्हाट्सअप भी जो है अच्छे से फंक्शनिंग कर रहा है। यूट्यूब की अगर देखें तो सेम यूट्यूब भी अच्छे से वर्क करता है, सभी वीडियो वगैरह अच्छे से प्ले होते हैं। और जो डिस्प्ले है वो 2 इंच की डिस्प्ले जो दी गई है वो काफ़ी है, इतना आपको जो देखने के लिए स्मूथली आप जो देखना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है काफ़ी सही डिस्प्ले मिल जाती है। ये सब था हॉटस्टार, सोनी लाइव, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं। उसके अलावा जो है आपको मैंने बता ही दिया कि जो भी आप UPI ऐप वगैरह जो आप यूज़ करेंगे उसमें कैमरे नहीं होने के कारण QR कोड स्कैनिंग जैसी फैसिलिटी आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। बाकी चीज़ें आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। गेम वगैरह स्मूथली चल रहे हैं, आप अपने टाइम पास करने के लिए अगर इसमें अंदर चाहते हैं कि थोड़े बहुत जो है गेम आप खेलना चाहते हैं तो वो गेम भी जो है मैंने प्ले करके देखे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई लैग वगैरह की ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। गेम भी स्मूथली फंक्शनिंग कर रहे हैं, आप देख भी लेते हैं, एक आध प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इस चीज़ का। तो इस तरीके से कुछ जो है गेम्स भी काफ़ी स्मूथली फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने इसके साथ में आप लोगों के साथ शेयर की। और प्राइस आप ये देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट से मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेज किया था। फर्स्ट में इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट थे तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग देख के वो सब कर सकते हैं। मैंने डिस्काउंट में मुझे काफ़ी ठीक रेट में मिल गया था और मुझे इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छी भी स्मार्ट वॉच लगी। क्योंकि आप अगर बाकी स्मार्ट वॉच की अगर बात करें तो नॉर्मली जो स्मार्ट वॉच हैं वो आपकी 2-2.5 हज़ार के आसपास आते हैं, जिसमें ओनली आपको ब्लूटूथ कॉलिंग जैसी फैसिलिटी मिलती है और इसमें आपको पूरा रिस्ट फोन मिल जाता है। तो उन सारी चीज़ों से अगर बाकी कंपेयर करें, बैटरी बैकअप से लेके फिनिशिंग और इसकी जो क्वालिटी को लेके बात करें तो काफ़ी अच्छी हमें स्मार्ट वॉच मिल जाती है इतने रेट में। तो ये सब थी रिव्यू इसके फायरवॉल ड्रीम स्मार्ट वॉच को लेके। तो अगर अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगे या किसी को कोई जानकारी इससे रिलेटेड पूछनी हो तो वो मुझे जो है कॉमेंट्स कर सकता है, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। बाकी और कुछ जानकारी चाहिएगी तो चलो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।